मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, हम बीए द्वितीय वर्ष के पेपर फर्स्ट के टॉपिक अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के क्या उद्देश्य थे, उसका क्या उद्देश्य था जिसके कारण उसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई, इसके तहत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा बिंदु है जनसाधारण की भलाई करना, जनसाधारण की भलाई के तहत खाद्यान्न बाजार की व्यवस्था करना, सराय अदल विभाग का गठन करना, घोड़ों व अन्य पशुओं के बाजार लगाना, दास दासियों के बाजार। ये जो बाजार नियंत्रण नीति अपनाई उसने, उसके लाभ भी मिले हैं। इन लाभों में पहला लाभ है सुल्तान के उद्देश्यों की पूर्ति। सुल्तान के जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई। दूसरा लाभ है जीवन स्तर में सुधार। तीसरा है मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। हम इनके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने वित्तीय और राजस्व सुधारों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। ये गहरी दिलचस्पी दिखाने का कारण ये उद्देश्य थे जिनमें पहला है सैनिक आवश्यकता की पूर्ति। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना का गठन किया। उसने अपनी सेना, राज्य कर्मचारियों आदि पर विपुल धन खर्च किया। उसने सैनिकों को वेतन कम देना निर्धारित किया। कम खर्च में एक विशाल सेना रखने का उसने प्रबंध किया, परंतु अपने सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण कर दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण की योजना लागू की। दूसरा बिंदु है जनसाधारण की भलाई करना। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की जो योजना थी वो जनसाधारण के लाभ के लिए बनाई थी। इसके तहत सबसे पहले उसने खाद्यान्न बाजार की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्न के मूल्य निर्धारित कर दिए। उनका मूल्य बहुत कम रखा गया। जैसे गेहूं का मूल्य 7.5 रुपए जीतल प्रतिमन, जो 4 जीतल प्रतिमन, चना 5 जीतल प्रतिमन, चावल 5 जीतल प्रतिमन। घुमक्कड़ व्यापारियों को आदेश दिया कि दिल्ली के बाहर के स्थानों से बाजार में नियमित रूप से अनाज लाकर निश्चित मूल्य पर बेचें। इसके साथ ही सुल्तान ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए सरकारी अन्नागार स्थापित किए। यदि किसी कारण से फसल नष्ट हो जाती और बाजार में अनाज की कमी होने लगती तो सरकारी अन्नागारों से अनाज दिया जाता था। इसके साथ ही सुल्तान ने मुनाफाखोरी तथा चोर बाजारी को निषेध कर दिया। मुनाफाखोरी करने वालों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की। इसके साथ ही उसने राशन प्रणाली की भी व्यवस्था की ताकि वर्षा न होने तथा अकाल से उत्पन्न विषम परिस्थितियों का सामना किया जा सके। अगला जनसाधारण की भलाई में बिंदु सराय अदल। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्त्रों का बाजार भी स्थापित किया। यह बाजार सराय अदल भवन में स्थित था। उसने निम्नलिखित नियम बनाए। सुल्तान ने आदेश दिया कि व्यापारियों द्वारा लाया गया समस्त सामान सीधा सराय अदल पहुंचाया जाए। सुल्तान ने कपड़े के मूल्य निर्धारित कर दिए। सुल्तान ने आदेश दिया कि प्रत्येक व्यापारी चाहे वह हिंदू हो या फिर मुसलमान,
दीवान रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय में अपना नाम लिखवाया। कपड़ा बाजार को नियंत्रित करने के लिए दीवान रियासत नामक अधिकारी की नियुक्ति की। सुल्तान ने आदेश दिया कि कीमती वस्त्र तब तक न बेचे जाएं जब तक कि दीवान रियासत से अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। अगला जो बिंदु है, घोड़ों अन्य पशुओं के बाजार लगाना। सुल्तान ने घोड़े तथा अन्य पशुओं के बाजार भी स्थापित किए और उनका मूल्य निर्धारित कर दिया। सुल्तान ने बेईमान दलालों को कठोर दंड दिए। सुल्तान ने घोड़ा बाजार के निरीक्षण की भी व्यवस्था की। सुल्तान यह देखता था कि प्रत्येक घोड़ा निश्चित मूल्य पर बेचा जा रहा है या नहीं। अगला जो बिंदु है, दास दासियों के बाजार। अलाउद्दीन खिलजी ने दास दासियों के बाजार भी निश्चित कर बाजार भी लगाए और उनके भाव निश्चित कर दिए। सुंदर दासी का मूल्य 20 टंका से 40 टंका, साधारण दासी का मूल्य 5 टंका से 12 टंका, अत्यंत सुंदर दासी का मूल्य 1000 से 2000 टंका। इसके साथ ही गुलाम का मूल्य या दास का मूल्य 100 से 200 टंका निश्चित किया। इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कुछ लाभ भी थे, जिनमें पहला जो लाभ था, सुल्तान को उसके उद्देश्यों की पूर्ति हुई, उसके जो उद्देश्य थे उन्हें प्राप्त करने में सफलता मिली। दूसरा जो लाभ था, जीवन स्तर में सुधार। अलाउद्दीन खिलजी की जनता के जीवन स्तर में बहुत तीव्र गति से सुधार हुआ। और जो तीसरा लाभ मिला बाजार नियंत्रण का, वो था मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा। उसकी जो सैनिक स्थिति थी वो बाजार नियंत्रण व्यवस्था के तहत बहुत अच्छी हो गई और सैनिक रूप से सुदृढ़ होने पर उसने मंगोल आक्रमणों से अपनी सुरक्षा की। धन्यवाद।